नाम आ रहा था माननीय नीतीश कुमार का, वो स्लीपर घोटाला हो, सृजन घोटाला हो, शौचालय घोटाला हो, मेघा घोटाला हो, ऐसे 38 घोटाले हुए हैं इनके राज्य में और सब में मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है। और हमको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि बीजेपी की सरकार केंद्र ने इनको काला चिट्ठा दिखाने का काम किया, तब जाकर सर्नाटक हुए, शरण में गए उनके और घुटना टेके हुए हैं। आज बीजेपी का तलवा चाट रहे हैं मुख्यमंत्री। इस बार देश की जनता, बिहार की जनता की अदालत में फैसला हो गया है, इस बार एनडीए सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है। जिनके राज में इस तरह से अत्याचार होता हो, बालिका गृह में किस तरह से हुआ है आप सभी जानते हैं। बालिका गृह के जो एक संरक्षक थे, चलाने वाले थे ब्रजेश ठाकुर, जिनके रिश्ते, जिनके तार माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। मैं तो सीबीआई से हमेशा कहता रहा हूं, हर बयान में मैं कहता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री का सीबीआई सब जांच बंद कर दे। ब्रजेश ठाकुर से उनके क्या रिश्ते रहे हैं, नार्को टेस्ट हो जाए माननीय मुख्यमंत्री का, तो सभी पता चल जाएगा कि ब्रजेश ठाकुर से इनके रिश्ते क्या थे, ब्रजेश ठाकुर इनको समय समय पर क्या क्या सामान पहुंचाते थे, कहां से वो लाता था, ये सब पता चल जाएगा। जिनको बेडरूम में जाने की इजाजत है और उनके बेडरूम में इनको जाने की इजाजत हो, उनके रिश्ते कैसे रहे हो, और जिससे जांच रिपोर्ट आई कि बालिका गृह को पैसा नहीं देना है और दूसरे दिन अनुदान मिल जा रहा है, जो आदमी 300 प्रति जो है पेपर नहीं निकालता हो उसको 5 करोड़ रुपया सालाना रुपया दे दिया जाता हो, तो कहीं ना कहीं में घाल मेल है। बिहार की जनता के गाढ़ी कमाई का पैसे को बंदर बांट करने का काम किया गया है और उसको बचाने का साजिश रच रहे थे। हम लोग के हल्ला हंगामा के बाद ये सीबीआई को गया, सीबीआई के द्वारा फिर कोर्ट भी इसको देख रही है। अगर कोर्ट नहीं देखती तो अभी तक मामला रफा दफा हो जाता। अभी हमारे यहाँ सीट का कोई समझौता नहीं हुआ है और क्लियरेंस होगा तभी हम बताएंगे कि कहां से कौन लड़ेगा। और हमारे यहाँ सीटों की कोई लड़ाई नहीं है, हमारे शीर्ष नेता बैठेंगे, सब सीट क्लियर हो जाएगा। आप फायर ब्रांड नेता है आरजेडी के और पटना सीट, पाटलिपुत्र सीट को लेकर के बड़ा ये है, तो क्या मैं फायर ब्रांड हूँ या नहीं हूँ, मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। हमें कोई नहीं चुनाव लड़ना है, हम विधायक हैं। अगर हमारे नेता का आदेश, हमारे आला अफसर, हमारे आइकोन है लालू प्रसाद यादव जी, हमारे गॉड हैं, अगर वो आदेश दे देंगे तो बिहार के किसी सीट से चुनाव लड़ूंगा और भारी मतों से चुनाव जीतूंगा। तेज प्रताप विरोध कर रहे थे? नहीं, यह गलतफहमी है, मिस अंडरस्टैंडिंग है, यह कहीं कोई विरोध नहीं है।